So plant anatomy क्या है? That is study of internal structure of plant parts या plant that is called as plant anatomy. Structural hierarchy. एक हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की करते हैं, स्पीशीज, फिर जीनस, फिर क्लास, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इस तरह से. ये स्ट्रक्चरल हायरार्की. सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इज सेल, देन देयर कम टिश्यूज. इन प्लांट्स अगर हम बात करें, द टिश्यूज टूगेदर फॉर्म टिश्यू सिस्टम्स. टिश्यू सिस्टम्स टूगेदर फॉर्म ऑर्गन्स एंड दे फॉर्म ऑर्गेनिज्म और यू कैन से प्लांट बॉडी. टिश्यूज जो है वो प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, या फिर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज दे कैन बी सिंपल परमानेंट और दे कैन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म. मैं अभी सिर्फ टाइप्स बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन अभी हम करेंगे. सिंपल परमानेंट पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. याद आ रहा है आपको? 9th क्लास का थोड़ा सा याद आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Complex tissues. Xylem and phloem. उसके बाद आ जाता है meristematic tissue. Meristematic tissues जो है वो तीन main type के है. एपिकल, इंट्रकैलरी एंड मेट्रल. टिश्यू सिस्टम्स फिर फर्दर तीन टाइप के हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. जो ऑर्गन्स है ब्रॉडली वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. वेजिटेटिव ऑर्गन्स जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर, सीड और ये सब मिलके क्या बना देते हैं? प्लांट बॉडी. राइट, पहले ये लिखो फिर हम एक एक करके हर चीज को डिस्क्राइब करें. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पहले
meristematic tissues. Meristematic tissues, first point hai, these have the ability to divide. ठीक है, इनके cells जो है they are rapidly dividing cells. क्योंकि ये divide करते हैं, they are involved and walls are pectocellulosic. ठीक है जी, उसके बाद क्या है, they have, पहली बात तो they lack vacuole, central vacuole. क्यों? क्योंकि vacuoles का क्या function है, vacuole का function होता है storage, storage of food, storage of waste. जबकि जो meristematic cells है उनमें waste है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही उनका साइज थोड़ा बड़ा हुआ वो डिवाइड कर गए, दो यंग सेल्स बन गए, फिर थोड़े से बड़े हुए फिर डिवाइड किए, यंग सेल्स बन गए. तो बूढ़े तो वो हुए ही नहीं, एजिंग तो हुई ही नहीं, इसलिए वेस्ट मटेरियल उनमें है ही नहीं. और रिजर्व फूड इसलिए नहीं है कि जो फूड उनमें है वो फटाफट कंज्यूम हो रहा है डिविजन, इसलिए उनमें वैक्यूल. और क्योंकि वैक्यूल नहीं है तो दे हैव उनमें साइटोप्लाज्म, क्योंकि नहीं तो एक प्लांट सेल में मैक्सिमम स्पेस कौन ले लेता है, वैक्यूल ले लेता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है. यहाँ पे वैक्यूल नहीं है, दैट्स व्हाई दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट है या डिस्टिंक्ट है. अनदर इज नो रिजर्व फूड एंड वेस्ट सब्सटेंसेस. हैव हाई रेट ऑफ respiration, has division, consumes lot of energy. उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा types of, ये तो characteristics हो गए. Types of meristems. मैंने आपको बेसिकली बताया था बेस्ड ऑन पोजीशन. ध्यान से पहले सुनो, अगर टिप पे है तो एपिकल है, अगर इन बिटवीन परमानेंट, ऊपर परमानेंट नीचे परमानेंट, बीच में मेरिस्टम आ गया, देन इट इज इंट्राकैलेरी. और अगर साइड्स में है, अगर दिस इज एपिकल, दिस इज इंट्राकैलेरी, और अगर यहां पे है साइड्स में, then this is nature. Lateral meristem based on position. Then based on origin. अगर तो meristem embryo से ही meristematic है, then it is primary meristem.
एंड इफ दे आर फॉर्म्ड बाय परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज अपना स्पेसिफिक फंक्शन लूज करके दोबारा से डिवीजन की एबिलिटी गेन करता है, इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम. Then, based on function, dermatogen, periglum, and pleurum. दोबारा से मैं बता रही हूँ, खुद लिखोगे अब आप, है ना. प्राइमरी मेरिस्टम विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एम्ब्रियो, विच इज एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन. सेकेंडरी मेरिस्टम फॉर्म्ड बाय बी डिफरेंशिएशन तो होता है रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ permanent tissues, mainly parenchyma. Parenchyma he differentiates that involved, है ना. ठीक है. So this is primary, this is second. Then dermatogen, dermatogen forms the epidermal tissue system. Periglum forms the ground tissue system. And pleurum forms the vascular tissue system. खुद लिखो. Apical present at the tip of the various plant parts. Intercalary which is in between the permanent tissues. Lateral present on the sides of the plant part. Right? लिखो बन. Increases the length of the plant. Increases the length of the plant. Intracalary meristem increases the length of the plant. Lateral meristem increases the diameter or girth of the plant. Increases the diameter or girth of the plant. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. एपिकल एंड इंट्रकैलरी, वैसे ही अलग से पॉइंट लिखे ना. एपिकल एंड इंट्रकैलरी मेरिस्टम आर ऑलवेज प्राइमरी इन ओरिजिन. एपिकल एंड इंट्रकैलरी मेरिस्टम्स आर ऑलवेज प्राइमरी इन ओरिजिन. वेयर एज lateral meristems can be primary or can be secondary. ये भी हम करेंगे तो पता चलेगा. Lateral meristems can be primary or secondary in origin. एक बेटा, एक यहाँ पे characteristic feature में एक और लिख लेना कि meristematic cells have abundant plasmodesmatic connection. Abundant plasmodesmatic connection. पहले हम आ जाते हैं बेटा, टाइप ऑफ सेल्स आ जाते हैं.
एक हमने किया मेरिस्टेमेटिक्स है, फिर आ जाता है डिफरेंशिएटेड सेल, बी डिफरेंशिएटेड सेल, ये मेरिस्टेमेटिक का मतलब है प्राइमरी, एंड बी डिफरेंशिएटेड आर सेकेंडरी मेरिस्टम्स। मेरिस्टेमेटिक हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, नेवर गेट डिफरेंशिएटेड। कुछ सेल्स है जो हमेशा डिवाइड करने में विश्वास रखते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, बट वो कभी भी मैच्योर नहीं हुए। बट कुछ जो नए सेल्स बने वो मैच्योर हो गए, डिफरेंशिएट हो। तो डिफरेंशिएट दीज आर मैच्योर और परमानेंट सेल्स। Which lose power of division develop vacuoles, may become, जरूरी नहीं है, may become equal, may again may lose nucleus etc. for performing specialized function. That are called as differentiated cells. For example, parenchyma cells, they help in storage of, it's a specific function. Uske baad hai de-differentiated. The mature cells sometimes loses specialized functions and regain the ability to develop. These are de-differentiated cells, secondary meristem. Mainly parenchyma cells. De-differentiated. क्योंकि बेटा बाकी के जो cells हैं, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा चाहे लिविंग है बट थिकनिंग्स है, स्क्लेरेनकाइमा वैसे भी डेड है और बहुत थिक वॉल्स है, वो डी डिफरेंशिएट करती है, राइट? सो एंड फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन, अभी हम करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ एंड हीलिंग ऑफ इंजर्ड पार्ट्स।
So these are the functions of D-differentiators. Okay? So yahan pe meristematic cells, these add new cells and thus helps in growth. ठीक है जी तो ये हमारी बॉडी में प्लांट की बॉडी में ये तीन टाइप के सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक डिफरेंशिएटेड एंड डी डिफरेंशिएटेड राइट लिखो सो फर्स्ट वी कम टू एपिकल मेरिस्टेम एग्जाम्पल है रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स रूट एपेक्स जो है ठीक है सब टर्मिनल इन पोजीशन क्यों सब टर्मिनल है क्योंकि अगर आप इफ दिस इज द रूट एपेक्स देन इट इज सराउंडेड बाय रूट का एट द टिप टर्मिनल एंड इज रूट कैप दिस इज सब टर्मिनल इन पोजिशन दिस इज रूट एपेक्स ओके अगर हम स्ट्रक्चर करें स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपेक्स This is root cap. This is all meristematic cells. ये सब meristematic cells ही है थोड़ी सी shape different हो जाती है meristematic cells की but ये सब dividing cells है अगर आप ध्यान से देखें तो आपको तीन डिस्टिंक्ट जोन्स नजर आ रहे हैं सभी सेल्स मेरिस्टम ये जो छोटे वाले सेल्स है मैं थोड़े से डार्क कर रही हूं आपने अलग पेन से बनाने हैं छोटे सेल्स है दिस इज कॉल्ड एज क्विसेंट सेंटर दिस इज प्रोटोडर्म दिस इज पेरिब्लम और जो ये सेंटर में है दिस इज प्लीरी दिस इज रूट कैप Protoderm, the cells of protoderm, divide
एंड न्यू सेल्स फॉर्म डिफरेंशिएट इनटू रूट एपिडर्मिस ये सेल्स ऐसे डिवाइड करेंगे और ये डिफरेंशिएट होके क्या बनाया रूट एपिडर्मिस ये जो पेरिब्लम डिवाइड करेंगे ये बनाएंगे कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस यदि हम करेंगे ना रूट का स्ट्रक्चर तो इस तरह से सो पेरिब्लम itself form ground tissue. And pleurone itself form xylem and phloem. ये दोनों क्या है vascular tissue जो conduction में help कर और जो क्वीसेंट सेंटर है द सेल्स ऑफ दिस सेंटर हैज एबिलिटी टू डिवाइड बट दे डिवाइड only if there is some injury in root. So these cells are called as storage of division. इन्होंने store करके रखे कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम divide करेंगे ऐसे नहीं हम divide करते अभी ये चुपचाप करके बैठ The cells have distinct nucleus. सब कुछ है बेटा बट फिर भी ये resting form में है and they will divide only मैंने अभी आपको बताया कि when there is the root apex gets injured only then they start dividing and helps in regeneration of the root. Okay? So this is the structure of root apex. It is explained by histogen theory. Peak histogen इन रूट मतलब ये जोन्स है जैसे मैंने बताया प्रोटोडर्म पेरिब्लम एंड प्लीरोमा पूरा लिखो ये तीन हिस्टोजेंस ओके देखो शूट एपेक्स जो है दिस इज shoot apex it forms leaf primordia on the side Right? So this is ये जो है ये shoot apex these are leaf primordia leaf primordia means early leaves this is axillary bud
it may form, it is the, you know, it is the remains of shoot apex. It forms branch or plant. Axillary bud jo hai, wo grow karke ya to branches bana degi ya plant. Uske baad jo shoot apex hai, structure of shoot apex. Proposed by Tunica corpus Curie of Schmidt. Scientist ka naam tha Schmidt. Shoot apex mein two regions hai, that is Tunica and corpus. This is tunica, and inside the meristematic cells, these are called as corpus. Okay, so this is tunica, corpus. So shoot apex has two regions, Tunica forms epidermis, matlab iske cells divide karke aapne likhna hai, cells divide and forms the epidermis, whereas corpus it forms ground tissue as well as vascular tissue. Right? So, this is, you know, structure of shoot apex, vegetative shoot apex. Banao. Okay? So, humne kya kiya hai? That is apical meristems ya apex. Aur axillary buds ka maine bata diya. These are the remains of the shoot apex, left behind tissues of the shoot apex which form the branch or the flower. Right? So these are apical meristems.